हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो इब्तदाई बंदा आता था उसको तीन वजीफे करवाते थे, सुन ले गौर से। जो कहता था मैं विलायत का ताजदार बनना चाहता हूँ, जो कहता था मेरे कर्जे हैं, बीमारियां हैं, मेरे दुख मुसीबतें हैं, मेरे मसाइल और मुश्किलात हैं, मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ, और जो कहता था जिंदगी में जलील हो गया हूँ, अजीज होना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, खुशहाल होना चाहता हूँ, नाकाम हो गया हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, उसको तीन वजीफे करवाते थे। ईरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आपकी खानकाह में, आपकी, मैं बगदाद में उनकी खानकाह में गया हूँ, बंद थी, बंद थी। अब देखें, अच्छा अरब का मिजाज देखें। मैंने बड़े सारे नोट, हमारे एक दोस्त ने, साथ दुकानदार था उसकी, ये बोतल सिगरेट की ये चीजों की दुकान थी छोटी सी, उन्होंने कहा किसी तरह ये हजरत की खानकाह खुलवा दें जहां बैठ के लोगों को विर्द अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, वो बंद थी। उसने ना कोशिश की, अंदर से बंदों ने खानकाह खोली, तो उसने वो पैसे दिए, और पैसे नोट भी बड़े बड़े नोट थे। उन्होंने कहा ना हादा हराम, मैं नहीं लेता, मैं नहीं, उसने नहीं लिए। अरब के अंदर क्या सिफात है। तो उस खानकाह में, उस आस्ताने में, उस तस्बीह खाने में जो हजरत हजरत की थी, उसमें जब बंदा जाता था उसको तीन वजीफे करवाए जाते थे इब्तदाई, फिर उसकी बुनियादें बनती थी। कर्जों वाला, बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों, नाकामियों, उलझनों, आफात, बलियात, या रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, विलायत की दुनिया, सुकून की दुनिया, उरूज की दुनिया, लाहौत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया, अगर कोई बंदा चाहता था उसको दरूद पाक का वजीफा, उसको सूरत फातिहा का वजीफा, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको या लतीफ़ या वदूदों का वजीफा करवाया जाता था। क्यों? इन सब वज़ाइफ़ में अल्लाह उसके हबीब की अजमत है, इन सब वज़ाइफ़ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की बरकत है, इन सब वज़ाइफ़ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की रूह और रूहानियत है।